हे भगवान, मेरे मम्मी पापा की रक्षा करना और सारे पेशेंट्स को जल्दी ठीक करना प्लीज़। हेलो। हाय धर्म, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा हूँ। तू क्या कर रहा है? अरे सेम यार, बोर हो रहा है पता है आज बहुत। क्या हो रहा है, इतना डल क्यों साउंड कर रहा है? अरे तेरे को तो पता है मेरे मम्मी पापा डॉक्टर है, बस उनकी चिंता होती रहती है रोज। लेकिन यार देख, तेरे मम्मी पापा भी कितना महान काम कर रहे हैं यार, आसान नहीं है ऐसा काम करना। हाँ, लेकिन ये बात सिर्फ तू और तेरे जैसे सोचने वाले लोग ही समझ सकते हैं ना। आज देश में ऐसे कई लोग हैं जो इस बीमारी को अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हाँ यार, बात ये है कि हम सबको इस बीमारी को एक साथ रहना चाहिए, और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। एकदम कोई जरूरी काम नहीं हुआ तो घर पे रहना, स्टे एट होम। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तूने। आज एक तरफ मेरे मम्मी पापा जैसे हजारों डॉक्टर इस मौत के कुएं में उतर के लोगों की जान बचा रहे हैं, पुलिस ऑफिसर अपना काम 24-24 घंटे कर रही है सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की सेफ्टी के लिए। और यार अपने एसेंशियल सर्विस वाले लोग, वो भी ऐसे टाइम पे लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सही कहा तूने। मैं आज उन सब लोगों को सैल्यूट करता हूँ और थैंक्स कहता हूँ जो इस बीमारी में भी अपना काम अच्छी तरीके से निभा रहे हैं और उस बीमारी को फैलने से रोक रहे हैं। पता है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना ध्यान खुद रखें और उन सब लोगों पर ज़्यादा प्रेशर ना दें। बराबर बराबर। सुन ना, मैं तेरे को बाद में फ़ोन करता हूँ, मेरे मम्मी का फ़ोन आ रहा है, ठीक है? हाँ हाँ चल। हाँ मम्मी। क्या कर रहे हो बेटा? बस कुछ नहीं, आप ही का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन आज भी मुझे आने में देर होगी। क्या मम्मी, कल आपने बोला था आज आप जल्दी आओगे करके। ठीक है, खाना खा के सो जाना, ठीक है? हाँ।